Okay, so let us begin from here. So minus number of elements in B intersection C, minus number of elements in A intersection B, plus number of elements in A intersection B intersection C, isn't it? Right. And can I tilt the screen? Okay. Now see. So if you put all the values, what is number of elements in A? 25. Number of elements in B? 20. Number of elements in C? 27. A intersection B, it is 5. B intersection C, it is 7. Now, A intersection C, it is 0. Number of elements in A intersection B intersection C. So, yes. You cannot hear my voice? And what is number of elements in A intersection B intersection C? That will be also 0. Isn't it? Or in this question, there is no need of these last two terms. So this will be your 27 minus 7 is 20. 25 minus 5 is 20. 20 plus 20 plus 20 is 60. So this will be the answer of my question number 10. Is it clear now? Right. Sai Smruti cannot listen. Okay. Don't worry, Sai Smruti. One minute. Sai Smruti, you just use recording of the class after this class. Okay. Sure. So, Inba, can you hear the voice clearly now? Question 10 ke baad aapko doubt tha, 11, 12, 13, 14. Now see, question number 11 mein aapko ek example dena hai. Such that A intersection B, B intersection C and A intersection C are non-empty and A intersection B intersection C is equal to 5. A, B or C ka such that राइट उन तीनों का एग्जाम्पल दो सच दैट ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉट नॉन एम्प्टी सेट्स ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स मतलब इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे एंड योर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी शुड बी 5 चलो ऐसा हम किस तरीके से बना सकते हैं नॉट ऑडिबल यू आर नॉट एबल टू हियर मी Am I audible, everyone? Can you hear me? Students who cannot hear me, just raise your hand. Okay. Few students are not able to hear me, I guess. Okay. 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 No problem, Srihari. No problem, Inba. There must be any problem in internet. But okay, we'll surely use recording after this class. I will share the recording after 5, right? Because after all the classes. Now understand this. Chalo. So, iska graph aap aise bhi bana sakte ho, samajhna. Aise elements aapko banane hain. To Venn diagram hoga, to Venn diagram se aap easily bana sakoge. A aur B ka intersection kuch milna chahiye hai. A aur C ka kuch intersection milna chahiye. B aur C ka kuch intersection milna chahiye. तो इस तरीके का होना चाहिए ए और सी का भी मिल रहा है बी और सी का भी मिल रहा है बट ए बी सी तीनों का कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा है ऐसा कुछ नहीं मिल रहा जहाँ पे ए बी सी तीनों तो मान लो ए और बी में मैं कोई कॉमन एलिमेंट ले रहा हूँ सपोज बहुत 1 2 3 बहुत ले लिया ए बी सी लेके करते हैं इसमें है ए राइट इधर रख दो बी सी ओके फिर यहाँ पे कॉमन एलिमेंट रख दो डी ई और यहाँ पे कॉमन एलिमेंट रख दो एफ राइट तो अगर मेरा यहाँ पे ए आप देखोगे इफ दिस इज ए बी सी तो ए मेरा कैसे डिफाइन हो गया इट कंटेन्स ए कॉमा बी कॉमा डी बी मेरा कैसे डिफाइन हो गया इट कंटेन्स ए कॉमा सी कॉमा एफ राइट
ए मेरा डिफाइन हो गया ए कॉमा बी कॉमा डी, बी मेरा डिफाइन हो गया ए कॉमा सी कॉमा एफ, सी मेरा डिफाइन होगा ई कॉमा डी कॉमा एफ, ई कॉमा डी कॉमा एफ। ओके सो यहाँ पे डी है इधर छोटा और इधर एफ है। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए और बी का इंटरसेक्शन देखो कॉमन एलिमेंट ओनली ए, बी और सी का कॉमन एलिमेंट सो एफ, ए और सी का कॉमन एलिमेंट तो डी, बट तीनों का कोई कॉमन एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों में हो, यहाँ पे ए बी डी, यहाँ पे ए है यहाँ पे डी है, बी कहीं भी नहीं है, राइट, तो तीनों में कॉमन हो ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इज इट क्लियर नाउ, क्या ये पता चला? ओके वॉइस इज ब्रेकिंग, प्रद्युम्न इज टेलिंग दैट वॉइस इज ब्रेकिंग, क्या ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ? क्वेश्चन 11। ओके सो नाउ वी विल डू वन थिंग, ओके इट इज ऑलरेडी 3:15 राइट नाउ, आई हैव नेक्स्ट क्लास फ्रॉम 3:30, सो डू वन थिंग, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं दोज वेर 12, 13 एंड 14 ट्राई वंस अगेन फ्रॉम होम राइट, सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी दैट, ट्राई सिमिलर क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी राइट, एनसीईआरटी में से इतने सिमिलर क्वेश्चंस करो और वो आपको जो एनसीईआरटी का फोल्डर मैंने बनाया था उसमें अपलोड करना, ठीक है? तो आज का होमवर्क आपका ये रहेगा, एनसीईआरटी एंड दिस सिमिलर क्वेश्चंस, सो इज इट क्लियर राइट, सो एवरीवन क्लियर विद दिस, आई एम एंडिंग द मीटिंग नाउ, थैंक यू।